नमस्कार, मैं हूँ हेमंत कश्यप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आज ध्यानचंद जी का आज जयंती मनाई जा रही है, पूरा देश मना रहा है। साथ ही साथ झांसी भी इससे कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि ध्यानचंद जी से उनका झांसी से कहीं ना कहीं ताल्लुक रहा है। आज मैं झांसी के हीरो फील्ड में खड़ा हूँ, जहाँ के उनके सुपुत्र मेरे साथ खड़े हुए हैं। उनसे मैं बात करूँगा और पूछूंगा उनका। सर जी, सबसे पहले तो पहले आपका बहुत स्वागत करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक ध्यानचंद है। जी जी सर, ये बताइए, आज जैसा कि सर आपके पिताजी थे मेजर ध्यानचंद जी, जिन्होंने एक इतिहास रच दिया है, पूरा विश्व जानता है हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं उनके? विश्व ने उनको ध्यान सिंह से ध्यानचंद की संज्ञा दी। वो हॉकी खिलाड़ी से हॉकी जादूगर बने, वो एक सिपाही से मेजर के पद तक गए, और एक साधारण खिलाड़ी होने के बावजूद भारत सरकार ने जब आखिर में उनको विदा किया तो पद्म भूषण के साथ विदा किया। तो ये वो चीज़ें उनके शिक्षक के साथ में रही हैं, जिन्होंने ध्यानचंद को एक वो सम्मान, जो ध्यानचंद जी ने बिना निस्वार्थ भाव से देश को सम्मान दिलाने में 3 गोल्ड मेडल, उस ज़माने में जब हम लोग किसी भी सुविधाओं से वंचित थे, पूरा देश के अंदर कोई सुविधाएं नहीं थी हमारे, हम गुलाम थे, लेकिन उस गुलाम की बेड़ियों को, दास्ता की बेड़ियों को हम मानसिक तौर पर हमारे भारत के लोगों में डालने वाले मेजर ध्यानचंद, अपनी जीत से, अपने उन गोल्ड से, अपने उन खेलों से उन्होंने देश के अंदर एक नई खेल ऊर्जा भरी, जिसके अंदर जिससे प्रभावित होकर देश ने उनको बेहद सम्मान दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग, हमारा परिवार या हम जितने भी खिलाड़ी हैं, वो इस बात को फख्र करते हैं कि ध्यानचंद इन सब के बावजूद एक अमर नाम इस देश के अंदर ही नहीं, विश्व के अंदर हो गया। ये बिल्कुल सर, मैं इतिहास के पन्नों में जाऊँ तो देखने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है कि मेजर ध्यानचंद जी से उनको शुरू से खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें कोई रुचि नहीं थी। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ उनको किस तरह से रुचि, उनको क्या उन्होंने सोचा, क्या हुआ कि हॉकी के में आए और बाहर खड़े होकर दिखाया उन्होंने? देखिए, हर बचपन में, हर बचपना जो है वो तो एक जैसा ही होता है। हम ये भी चाहते हैं कि हम चांद तारे तोड़ के लाएँ, हम फूल तोड़ें, हम ज़मीन में से मिट्टी निकालें। तो इसी तरह बाल्यावस्था की जो एक दौर होता है, उसमें ध्यानचंद भी शामिल थे। और ध्यानचंद जी ने अपने जीवन में कबड्डी भी खेली, कुश्तियाँ की उन्होंने, और उसके बाद इसी ग्राउंड पर जहाँ बैठ के आप इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ आज, इस ग्राउंड पर बैठ कर हॉकी की तपस्या करी, कंकड़ीली ग्राउंड के ऊपर नंगे पैर प्रैक्टिस करी, अनइवन ग्राउंड के ऊपर, जो ये समतल नहीं था उस ग्राउंड के ऊपर उन्होंने हॉकी को बिल्कुल चलाए नहीं बल्कि नशा दिया। और उसके बाद जब वो अपनी आर्मी टीम में पहुंचते, तो लेकिन इसमें अगर तुम अपनी पासिंग को और ऐड कर लो, अपनी सूझबूझ को ऐड कर लो, तो तुमसे बेहतर खिलाड़ी इस दुनिया में दूसरा पैदा नहीं होगा। अपने सीनियर ऑफिसर के ये लफ्ज़ ध्यानचंद को दिल में उन्होंने रखे और उसके बाद उस पर काम करना शुरू किया। और जैसा हम सब जानते हैं कि वो एक शख्स इस दुनिया में हॉकी का पर्याय बनकर, हॉकी का दूसरा नाम बनकर उभरा, चाहे हम हॉकी को ध्यानचंद कहें या ध्यानचंद को हॉकी कहें। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ सहमत हूँ। जैसे मैं जानता हूँ कि जो मेरे ध्यानचंद जी थे, उन्होंने भारत में पूरे विश्व में नाम कराया है हॉकी का, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं कहीं ना कहीं, और झांसी में उनकी कई प्रतिमा भी लगाई गई हैं, उनके नाम पर स्टेडियम बनाए गए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, कुछ ऐसा लगता है कि झांसी जनता को कुछ कमी दिखाई देती है आपके उनके पति के, सब सामने एक ही बार उनकी रुचि दिखाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हर किसी को तो कहीं अपनी बात को कहने का अवसर नहीं मिलता, हम सब जानते हैं। मुझे भी जब अवसर मिलता तभी मैं बोल पाता हूँ, या मैं फिर से अखबारों में निकलवा पाता हूँ। हर इंसान के सच में, भारत के लोगों के दिल में ये हसरत तो है कि कब वो दिन देखेंगे जब उनको, भारत के लोगों को भारत रत्न मिलेगा। तो ये तो देश का रत्न है, जैसे खेल रत्न मिला ध्यानचंद को, हमारे मोदी जी ने पिछले साल खेल रत्न का अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया। तो ये अवार्ड तो डेफिनेटली एक असेसमेंट है, एक आपकी दी गई सेवाओं के बदले दिया गया पुरस्कार है, जो आपको और आगे बढ़ने की शक्ति को बढ़ाता है। तो ध्यानचंद तो एक शक्ति, तो अब वो बाकी नहीं है, वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस शक्ति को आने वाली जनरेशन के दिलों में, उनके खेलों में किस तरह हम शामिल करें, ये उस खेल रत्न का, खेल भारत रत्न का सम्मान होगा, भारत रत्न की बात होगी। जब वो उस नाम के साथ जुड़ेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन्स को और इंस्पिरेशन मिलेगा, वो और आगे बढ़कर खेलने की कोशिश करेंगे। उनमें से कितने अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे जिनको कि सिरमौर बनने का मौका मिलेगा। सर, आप कोई झांसी की जनता को या भारत के लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं
झांसी की जनता ने बेहद प्यार दिया है, ये मैं जानता हूँ। हम लोग, मेरी भी कर्मस्थली यही रही है, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, जन्म मेरा मेरठ में हुआ, ध्यानचंद जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ, लेकिन उसके बाद 5-6 साल की उम्र में वो यहाँ झांसी आ गए थे। मैं भी उसी उम्र में 6-7 साल की उम्र में झांसी आया हूँ, लेकिन झांसी ने जो ध्यानचंद जी को प्यार दिया है उसका कोई जवाब नहीं है। उसकी मिसालें हमारे सामने हैं, पहाड़ियों के ऊपर उनकी मूर्तियाँ बनाना, चौराहों के ऊपर उनकी मूर्ति बनाना, स्टेडियम के नाम काबिल थे, इसके काबिल थे। तो ये प्यार दिखता है जो, और यही प्यार सारे देशवासियों के दिल में ध्यानचंद के लिए है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शख्स और बैठे हुए, इनसे बात करेंगे। सर, जैसा कि मेरा ध्यानचंद जी आज पूरा खेल दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है, कोशिश करेंगे उनमें से कितने अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे जिनको कि सिरमौर बनने का मौका मिलेगा। सर, आपको झांसी की जनता को या भारत के लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? झांसी की जनता ने बेहद प्यार दिया है, ये मैं जानता हूँ। हम लोग, मेरी भी कर्मस्थली यही रही है, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, जन्म मेरा मेरठ में हुआ, ध्यानचंद जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ, लेकिन उसके बाद 5-6 साल की उम्र में वो यहाँ झांसी आ गए थे। मैं भी उसी उम्र में 6-7 साल की उम्र में झांसी आया हूँ, लेकिन झांसी ने जो ध्यानचंद जी को प्यार दिया है उसका कोई जवाब नहीं है। उसकी मिसालें हमारे सामने हैं, पहाड़ियों के ऊपर उनकी मूर्तियाँ बनाना, चौराहों के ऊपर उनकी मूर्ति बनाना, स्टेडियम के नाम काबिल थे, इसके काबिल थे। तो ये प्यार दिखता है जो, और यही प्यार सारे देशवासियों के दिल में ध्यानचंद के लिए है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शख्स और बैठे हुए, इनसे बात करेंगे। सर, जैसा कि मेरा ध्यानचंद जी आज पूरा खेल दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है, तो क्या कहना चाहते हैं हम? देखिए, ऐसा है कि ध्यानचंद जी अपने अम्मी रत्न है भारत की, मतलब भारत में अलग से पुरस्कार देना तो एक एड हो जाएगा, वो अपने आप में एक रत्न है। तो इनकी जयंती के अवसर में मैं यही कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि उनके भारत रत्न का अवार्ड से नवाजा जाए, तो सारी आने वाली पीढ़ी को, आने वाले खिलाड़ियों को उनका अनुसरण करेंगे, उनका अनुभव करेंगे। बहुत धन्यवाद। ओके, एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक बहुत बड़ा सवाल है, मुद्दा बना हुआ है, अक्सर से बहस होती रहती है कि जो मेरे ध्यान कह रहे हैं भारत रत्न के पीछे अभी तक बहुत प्रयत्न चल रहा है, राजनीति कहीं ना कहीं इस पर आड़ा बनी हुई है, कहीं कोई राजनीति होती है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अपने आप में ही एक भारत रत्न है, बिल्कुल, परंतु उन पर एक भारत रत्न का अवार्ड के नाम से नवाजा है तो बहुत ही मतलब अच्छा होगा। और इसमें मेरे ख्याल से कि हर आदमी का इसके सहमत होगा उनके भारत रत्न देने के लिए। मेरी एक गुजारिश है भारत सरकार से कि उनको भारत में से नवाजा जाए और सभी खिलाड़ियों को अच्छा होता है। अच्छा सर, होता कि आपकी झांसी के हमने झांसी का नाम रोशन किया है, तो आप इसका समय तो होगा कि आज झांसी का नाम जनता के नाम से खड़ा हुआ है? जरूर जरूर, झांसी के नाम को जनता के नाम से तो जाना ही जाता है, पहले सबसे पहले झांसी झांसी के नाम से जाना जाता है, दूसरे नंबर पर आते हैं झांसी नाम जब भी कहीं आता है विश्व में और खेल की परिपाटी कहीं भी आता है, उससे पहले दद्दा का नाम झांसी नाम जुड़ा हुआ है, तो झांसी नाम इसी नाम से हमारा हो गया जैसे दद्दा रैंक हमारा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं बता दूं, मैं इस समय हीरो फिल्म में खड़ा हूँ, जाते हैं बता दूं कि आज मेरे ध्यानचंद जी का जयंती मनाई जा रही है, पूरे देश भाई को लेके मैं यहाँ पर उनके सुपुत्र श्री अशोक ध्यानचंद जी से मुलाकात की है, जिन्होंने बताया अपने पिताजी के बारे में, उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना स्ट्रगल किया और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए।